अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह आप सब खैरियत से होंगे। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखें। आज मैं आपके लिए एक रेसिपी लेकर आई हूँ, खट्टी मीठी इमली की चटनी, इसको सौंठ भी बोलते हैं। आप इसको जरूर ट्राई करें। चलिए बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए हमें चाहिए इमली, ये 300 ग्राम इमली है मेरे पास। इसको मैंने 3-4 घंटे से भिगो कर रखा हुआ था। ये देखो बहुत अच्छे से इसका पूरा पल्प जो है ना अलग हो गया है, और इसको हम अब अच्छे से मसल लेंगे। मसलने के बाद हम इसको 10 मिनट के लिए गैस पर पकाएंगे। चलिए इसे पकाते हैं। अब हम इसमें अपनी इमली को ट्रांसफ़र करेंगे और इसका पल्प अलग हो जाए बिल्कुल, तो तब तक पकाएंगे इसको 5 से 6 मिनट तक। अब देखिए माशाल्लाह से अच्छे से बिल्कुल गल के इसका पूरा पल्प बाहर आ गया है। अब इसको हम मसल के स्ट्रेनर में डालने के बाद फिर से चूल्हे पर चढ़ाना है। इसको चीनी डालने के बाद इसको अच्छे से फेंट लेंगे ताकि पूरा पल्प बाहर हो जाए। जब बहुत देर तक आप डिप करके रखेंगे तो बहुत अच्छे से पल्प सारा छोड़ देता है। हमारा इमली का पल्प तैयार हो गया है। अब इसको स्ट्रेनर की मदद से छान लेंगे हम। हाथ से अच्छे से मसला जाता है, मैं हाथ से ही मसल रही हूँ। इतना ज़्यादा आप डिप करके रखेंगे ना तो इतना ही अच्छा आपका पल्प तैयार होगा। अगर आपको खट्टा पल्प चाहिए तो इसमें से तो हाफ जो है ना आप फ्रिज में बॉटल में भर के रख लें। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके साथ खट्टा पल्प भी अच्छा लगता है कभी कभी, इसी में से आप निकाल के रख लिया करें। दही बड़ों के साथ तो यही वाला है, चटनी अच्छी लगती है, मीठी चटनी, दही पकड़ी, दही बड़े, ये सब ये वाली चटनी का मज़ा आता है खाने में। पकौड़ी के साथ भी ये बहुत अच्छी लगती है। मैंने पूरा अच्छे से इसका पल्प निकाल दिया है। ये अच्छे से माशाल्लाह से हमारा पल्प निकल गया है। हम इसको एक भगोने में ट्रांसफ़र करेंगे। अब इसमें डालेंगे 200 ग्राम शक्कर, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अमचूर पाउडर इस वक्त मेरे पास अवेलेबल नहीं है। 3 चम्मच इसमें अमचूर पाउडर का आपको डालने हैं जब आप बनाएं। मैं थोड़ा जल्दी में बना रही हूँ, इस वक्त नहीं है मेरे पास। एक बड़ी इलायची को मैंने अच्छे से खोल के इसके दाने निकाल दिया है। ये बड़ी इलायची का बीज है, ये मैंने एक बड़ी इलायची को खोला है, उसका बीज है ये मैं डाल रही हूँ। ये 1 पिंच में मिर्च का डाल रही हूँ, ये 1/2 टेबल स्पून में डाली हूँ ब्लैक सॉल्ट यानी काला नमक, ये मैं थोड़ा सा चारों मगज का बीज डाल ली हूँ। और हम इसको चढ़ाएंगे चूल्हे पर। अब इसको गाढ़ा होने तक पकाएंगे। आप इसमें फूड कलर भी डाल सकते हैं, अगर आपको कलर ये काला पसंद नहीं है, डार्क कलर लेना है तो आप इसमें थोड़ा सा फूड कलर डाल सकते हैं। इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, इससे ज़्यादा और थिक बनाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, फिर ये बहुत गाढ़ा हो जाएगा रखने के बाद, ठंडा होने के बाद थोड़ा थिक बन जाता है ये। लीजिए माशाल्लाह से हमारी सौंठ वाली चटनी बनकर तैयार है। आप ज़रूर बनाएं और कमेंट बॉक्स में मेरे को ज़रूर बताएं कि आपको कैसी लगी है। और प्लीज़ अगर मेरी वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें और शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल के आइकन को भी प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।